यकीन मानो दोस्तों, ये मुस्लिम देश अगर थोड़े से टाइट हो जाएं और थोड़ा सा एक्शन लेने के मूड में आ जाएं, तो बेंजामिन नेतन्याहू एक दिन में अपनी औकात में आ सकता है। लेकिन इस्लामिक देशों को ठेंगा दिखाते हुए, इनकी औकात दिखाते हुए शुरुआत कर दी है दक्षिण अफ्रीका ने। जी हां, दक्षिण अफ्रीका ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का प्लान बना लिया है और इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर बेंजामिन नेतन्याहू को साउथ अफ्रीका गिरफ्तार करने की मांग करेगा। ये बहुत बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले बताया जाता है। मेरे दोस्तों, जो काम इन इस्लामिक देशों को करना चाहिए था, वो काम दूसरे देश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का हर देश देख रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है, ये युद्ध के नियम नहीं है। युद्ध के नियमों को तोड़कर किस तरह से वो मासूम बच्चों को, महिलाओं को मार रहा है, पूरी दुनिया ये बात देख रही है। और इस कत्लेआम को देखकर किसी भी सही इंसान का दिल जरूर पसीजेगा। इसको लेकर दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नलेदी पंडोर, इन्होंने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपील भी की है कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा के अंदर जो कुछ कर रहा है, ये युद्ध के नियम नहीं है, बल्कि वो अपने फायदे के लिए सब कर रहा है, इसलिए उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू इंसानियत के खिलाफ जाकर गाजा के अंदर कत्लेआम मचा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अपनी जांच में तेजी करके तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। हम अपील करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। साथ ही साथ उन्होंने इस्लामिक देशों से भी अपील की है कि सभी देश बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाएं और वहां पर इसकी गिरफ्तारी की अपील करें। मेरे दोस्तों, जो काम इन इस्लामिक देशों को करना चाहिए था, वो काम साउथ अफ्रीका कर रहा है। अगर ये सारे इस्लामिक देश और इनके साथ, जैसे साउथ अफ्रीका है, चिली है, जिनका समर्थन फिलिस्तीन और गाजा को है, ये सारे देश अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर मुकदमा कर दें, तो एक दिन में अपनी औकात में आ सकता है। लेकिन 37 दिन में इन इस्लामिक देशों ने जुमलेबाजी के अलावा कुछ किया भी तो हो यार, कुछ तो किया हो इन्होंने जिससे इसराइल थोड़ा सा दबे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसराइल के पास कहीं से कुदरती शक्तियां आ गई हो या नेतन्याहू खुदा बन गया हो। अरे, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको औकात में लाने के, लेकिन कोई कदम उठाने वाला भी तो हो। 57 इस्लामिक देश इकट्ठे हुए, नल्ली निहारी पाया और तंदूरी खाई, और उसके बाद जुमलेबाजी करके भाग गए। अरे, एक्शन कब लोगे यार? गाजा फिलिस्तीन के लोग इनसे जंग लड़ने को नहीं कह रहे हैं कि तुम आकर जंग लड़ो, इसराइल के ऊपर हमले करो, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हैं जो लीगल तरीके से इसराइल के प्रधानमंत्री को दबाया जा सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अफ्रीका कह रहा है कि तुरंत इसको गिरफ्तार करना चाहिए। मेरे दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त जो कुछ कर रहा है, इसके अपने भी इससे खिलाफ हैं। उनको भी पता है कि ये अपने फायदे के लिए कर रहा है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि इसकी कुर्सी का सवाल है। कुर्सी का सवाल इसलिए क्योंकि लोग इससे पूछ रहे हैं कि आप दावा करते हो कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है, हमारे इसराइल की जनता को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन हमास ने आपकी सेना को नाकाम करके इसराइल के नागरिकों को बंधक कैसे बना लिया, इसराइल के ऊपर हमला कैसे कर दिया, यह आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी इसी बात को लेकर खतरे में है, इसीलिए वो बौखलाए हुआ है और इस तरह के उल्टे सीधे काम कर रहा है। इसी बात को लेकर इसराइल के यहूदी सड़कों पर निकलकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसने देखिए क्या किया, भीड़ को हटाने के लिए जिस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी पुलिस जो है अपने लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर मार रही है कि वो उड़ जा रहे हैं। तो जिस इंसान को अपनों का दर्द ना हो, वो गाजा के लोगों का दर्द क्या समझ सकता है, अपने लोगों पर ही वो अत्याचार कर रहा है। अब नेतन्याहू के इसी सनकीपन को देखते हुए, जो वहां की विपक्षी पार्टी है लिक्विड पार्टी, उसके एक नेता है अवी डिक्टर, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से एक सवाल पूछा है, क्या ये जायज है जिस तरह से आप गाजा के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या ये जायज है? इजरायली मंत्री ने कहा, यह बिल्कुल भी जायज नहीं है, हम फिलहाल गाजा में नकबा कर रहे हैं, और यह गाजा नकबा 2023 है। नकबा का मतलब होता है त्रासदी, तबाही या फिर पलायन। फिलिस्तीनी लोग इन सारी चीजों के लिए नकबा शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिलिस्तीनी लोग नकबा शब्द का इस्तेमाल उन घटनाओं को याद करते हुए करते हैं जब इसराइल की सेना ने यहूदियों ने उनकी बस्तियों को जबरदस्ती खाली करवाया था, फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती उनकी जमीन से भगाया था। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खफा हैं कि ये इसराइल का प्रधानमंत्री गलत कर रहा है। अब देखिए, एक शिक्षक हैं बहुत ज्यादा नामी गिरामी इसराइल के, उन्होंने क्या कहा। इसराइल के एक बहुत बड़े स्कूल की इतिहास की टीचर ने 7 अक्टूबर के हमास के हमलों को सही ठहराया है। इतिहास की यहूदी टीचर ने कहा कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को इतिहास की किताबों में क्यों नहीं लिखा गया है? क्या इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीन की औरतों के साथ बलात्कार नहीं किया था? उन्होंने सवाल पूछा। इजरायल के सैनिकों ने बच्चों का कत्ल नहीं किया था, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया था? इन सारी चीजों को इतिहास की किताब में आखिर क्यों नहीं लिखा गया है? उन्होंने कहा कि एक कब्जा किए हुए राष्ट्र को यह अधिकार है
कि वो अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़े। हमास ने यह जो हमला किया 7 अक्टूबर को उसको जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि हमास अपनी जमीन को आजाद करवाने के लिए यह लड़ाई लड़ रहा है। इतिहास की यहूदी टीचर ने यह बयान दिया। इसके बाद उनकी शिकायत हो गई और तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा कि तुमने हमास का सपोर्ट किया है और अपनी सेना का अपमान किया है, इसलिए उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। मेरे दोस्तों, दुनिया में जो सही लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जिनके अंदर इंसानियत बाकी है, वो सब समझ रहे हैं कि इसराइल के प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहा है वो अपनी सनक में कर रहा है। इसराइल पूरी तरह से नाजायज देश ही है, कब्जा करके ही पूरा बसा है, हर कोई जानता है ये बात। लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता रहता है और दुनिया ऐसी खामोशी के साथ देखती रहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।